सब्सक्राइब कीजिए डीएम विज्ञान चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ऐसे लेटेस्ट वीडियो के लिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम BTCT मतलब ब्लीडिंग टाइम क्लॉटिंग टाइम का एक डेमोन्स्ट्रेटिव वीडियो आपके लिए लाए हैं, जिससे आपको प्रैक्टिकल करने में और ज़्यादा आसानी हो। तो आइए हम हमारा टेस्ट स्टार्ट करते हैं। टेस्ट स्टार्ट करने के पहले हमें हमारे रिक्वायर्ड मटेरियल्स हैं। सबसे पहले तो स्टॉप वॉच की ज़रूरत पड़ेगी हमें। सेकेंड थिंग इज़ कैपिलरी ट्यूबल्स। BTCT करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मटीरियल है ये। थर्ड इज़ फिल्टर पेपर्स। फोर्थ इज़ निडल, जिसमें 24 नंबर की निडल को हम यूज़ करेंगे, और पेशेंट के फिंगर्स को क्लीन करने के लिए हम यूज़ करेंगे स्प्रिट स्वैप। ओके, तो स्टार्ट करते हैं टेस्ट। अब हम हमारी प्रोसीजर को स्टार्ट करते हैं। यू मेक श्योर कि आप अपनी हाइजीन को मेंटेन करके चले। तो सबसे पहले हम सैनिटाइज़र से अपने हाथ क्लीन करेंगे, जिससे हमारे थ्रू किसी भी पेशेंट को कोई भी इन्फेक्शन नहीं क्रिएट हो। ये 24 नंबर की निडल को हम यूज़ करेंगे ब्लड सैंपल लेने के लिए। पेशेंट की फिंगर को क्लीन करेंगे स्प्रिट गॉस से। 24 नंबर की निडल से हम प्रिक करेंगे। और जैसे ही ब्लड सैंपल आने लगेगा, हम हमारी स्टॉप वॉच को ऑन कर देंगे। उसके बाद हम क्लॉटिंग टाइम के लिए कैपिलरी ट्यूबल्स में ये कलेक्ट कर लेंगे ब्लड सैंपल। यू कैन सी ट्यूबल्स में ये ब्लड कलेक्ट हो रहा है। और जितने टाइम तक ब्लीडिंग होगी वो हमारा ब्लीडिंग टाइम होगा। मिनिमम जो ब्लीडिंग टाइम होता है वो 2 to 3 minutes होता है। तो हम देखते हैं कि हमारे पेशेंट का ब्लीडिंग टाइम क्या है। इसके लिए हम यूज़ करेंगे फ़िल्टर पेपर। जब तक इसमें ये ब्लड सोक होगा, जब ब्लड के स्ट्रेन दिखना बंद हो जाएंगे वो हमारा ब्लीडिंग टाइम होगा, और उस टाइमिंग को हम नोट कर लेंगे। तो ये देखिए, ये ब्लड के स्ट्रेन दिखना बंद हो गए हैं, मतलब ब्लीडिंग टाइम ओवर हो चुका है। और अकॉर्डिंग टू स्टॉप वॉच हमारी टाइमिंग है 1 minute 30 seconds। तो हमारी पेशेंट का जो ब्लीडिंग टाइम था वो 1 minute 30 seconds था। अब हम हमारा क्लॉटिंग टाइम चेक करेंगे। ये हमारी कैपिलरी ट्यूबल है। देखिए, ये ब्लड इसमें मूव कर रहा है अंदर। जब ये मूव करना बंद हो जाएगा वो टाइमिंग हो गई हमारी क्लॉटिंग टाइम की। मिनिमम जो ये टाइमिंग होती है 3 to 5 minutes की होती है, पर ये डिपेंड करता है उस पेशेंट के ब्लड पर, ब्लड सैंपल पर। तो देखिए, ये अभी भी मूव कर रहा है ब्लड। इट मींस कि अभी ये क्लॉट नहीं हुआ है। यू कैन सी ये ब्लड अभी मूव कर रहा है पूरी कैपिलरी में। जब ये मूव करना बंद हो जाएगा वो हमारा क्लॉटिंग टाइम होगा। अब आप ये देख सकते हैं, ये ब्लड मूव होना बंद हो गया है। अब क्लॉटिंग टाइम को चेक करने के लिए, मतलब कि ये ब्लड क्लॉट हुआ है या नहीं, इसे चेक करने के लिए हम इस कैपिलरी को थोड़ा थोड़ा ब्रेक करके देखेंगे। अगर ये ब्लड क्लॉट हो जाएगा तो इसमें ब्लड कोगुलेशन के रेशेस दिखेंगे। ये देखिए,
अभी भी ये पूरी तरह क्लॉट नहीं हुआ है, ये ब्लड के स्ट्रेन आ रहे हैं हाथ में। हम फिर से इसको ब्रेक करके देखेंगे। स्कैपुलरी को हम फिर से ब्रेक करेंगे। सो एज यू कैन सी, ये हमारा जो फाइब्रिनोजन है ये क्लॉट हो चुका है, और इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है 3 to 5 or 6 minutes, तो 5.5 minutes में हमारी पेशेंट का ये ब्लड है वो क्लॉट हो चुका है। ये जो इसकी क्लॉटिंग के जो ये रेशेज हैं नीचे फाइब्रिनोजन के, ये दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि हमारा ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, यू कैन सी कि हमारी पेशेंट का जो ब्लड है वो क्लॉट हो चुका है। स्पेशली आप हाइजीन का ध्यान दें कोई भी टेस्ट करते हुए। और आई होप गाइज आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच दीपिका झारिया फॉर योर कॉन्ट्रीब्यूशन।